वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्णा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। सो यू वर्सेस देम रीडिंग ये होने वाली है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, चुनल रीडिंग है, आप सब के लिए हैं, आप सब इसे देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए ऑनलाइन टैरो क्लासेस एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे एक्सेट्रा के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के कॉर्नर में भी दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए। सो उस इंसान के ऊपर फोकस कीजिए। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आया है दिस सन कार्ड। सो नेक्स्ट 72 आवर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा चेरिश करेंगे हैप्पी मोमेंट्स को। वो कहीं ना कहीं फील करेंगे कि आप उनके हैप्पीनेस हो, आप उनके लाइफ में, आप उनके आसपास रहते हो तो कितनी ज़्यादा खुशियाँ उनके लाइफ में बनी रहती हैं, कितना ज़्यादा अपलिफ्टेड वो फील करते हैं, कितना ज़्यादा एनर्जेटिक खुश मिजाज एंड कितना ज़्यादा एनर्जेटिक बेसिकली फील करते हैं। उन्हें ऐसा डेफिनेटली फील होगा कि आप उनकी ज़िंदगी के चमक हो। जब आप आसपास हो तो सब कुछ खुशहाल है, और अगर आप आसपास नहीं हो तो कुछ ना कुछ अधूरापन डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। एंड जो एनर्जी है, जो वाइब्रेंट लाइट है इनके लाइफ के, वो मिसिंग हो जाते हैं। तो ये चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि आप उनके ज़िंदगी की खुशियाँ हो और आप उनके ज़िंदगी के रोशनी हो। ठीक है, आप होते हो तो उनकी लाइफ में लाइट अबंडेंस भर जाती है, और आपके मिसिंग एनर्जी के वजह से उनके लाइफ में एक डलनेस आ जाती है जिससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत लो फील करने लग जाते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ इनकी फील होगी। और भी देखते हैं। वी हैव एट ऑफ वॉन्ट्स। एट ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आपके टूवर्ड्स फील करेंगे, एंड उस फीलिंग के चलते ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेचैन एंड एंशियस फील करेंगे। उनको मन होगा कि वो जल्द से जल्द आपको देखें, वो जल्द से जल्द आपको अपने करीब पाएँ, या फिर जल्द से जल्द आप दोनों की बातचीत हो। ठीक है, आपको देखने का मन इनका बहुत ज़्यादा करेगा, आपसे दूर रहने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। अगर नो कांटेक्ट में रहो हो आप दोनों सेपरेटेड हो, चांसेस रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में ये कॉल मैसेज करे आपको। और अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये बहुत इनकी तड़प बढ़ जाएगी कि इनको बर्दाश्त नहीं होगी वो दूरी, एंड ये आपको जल्द से जल्द अपने करीब पाना चाहेंगे, आपको अपने करीब देखना चाहेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन जो है अपने डे टू डे लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, सारा काम करेंगे, जो जो चीज़ें हैं उनकी नेक्स्ट 72 आवर्स में वो सारी चीज़ें करेंगे, बट इनका ध्यान आप पे लगा रहेगा कि आप क्या कर रहे होगे, आप इस वक्त कहाँ होंगे, कैसा चल रहा होगा आपका दिन, किस किस के साथ आप बात कर रहे होगे, ये सारी चीज़ों में इनका दिमाग लगा रहेगा। थोड़े से टेंस्ड भी होंगे क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिवनेस काम करेगी कि कहीं आपको कोई आपके चाहने वाले तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी और पे तो इंटरेस्टेड नहीं हो रहे होंगे। तो बेसिकली ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड फील करेंगे आपको लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स में, एंड इनको इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और बस आपके बारे में सोचे जाएंगे हैविली हैविली। ओके,
देन वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. सो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन ऑल दो ये सारी चीज़ें फील करेंगे, बट स्टिल देन ये पर्सन आपको थोड़ा सा भी हिंट नहीं देंगे कि इनको इतना ज़्यादा तरप हो रहा है या इतना ज़्यादा ये पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर या आपको लेकर टेंशन हो रहा है. आपको नज़र आएगा कि अगर आप दोनों की बातचीत हो रही है या नो कॉन्टैक्ट भी है तो भी आपको नज़र आएगा कि ये इंसान ज़्यादा झगड़ा करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, या फिर आपको डांट रहे हैं कि आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, क्या ज़रूरत थी आपको, या दूर हो तो क्या कर रहे हो, प्रूफ दिखाओ. इस तरीके की एनर्जी आपको थोड़ी इनसे मिल सकती है जब आप इनसे बात करो तो ये चीज़ आउट ऑफ लव ही करेंगे क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि इनकी सारी फीलिंग्स आपको पता चले और उसके साथ साथ पॉजिटिवनेस भी काम करेगा. तो ये आपको डांटेंगे भी या यू नो थोड़ा रूडली भी बात कर सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है. सो चलिए देख लेते हैं हम अब आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन के लिए. लेट्स चेक. Let's see. We have the car. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि next 72 hours में देखिए present के time में आपके अंदर आपके connection को लेकर इस person को लेकर बहुत सारे insecurities है. Like आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कैसी feelings रखनी चाहिए अपने person को लेकर and कैसा thought process आपको रखना चाहिए in the coming future. ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत इल्यूशन में फंसे हुए और आपको लगता है कि पता नहीं क्या सच्चाई है क्या नहीं, इस इंसान को प्यार करना चाहिए, इनके लिए वेट करना चाहिए या इनके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए इमोशनली या नहीं. तो ऐसे एक स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे यू आर टोटली कन्फ्यूज्ड एंड इनसिक्योर एज वेल कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें घबराहट बहुत मन में चल रही है. बट नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको पूरी तरीके से यू नो अश्योरेंस मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से, इस रिश्ते की तरफ से, कि यहाँ पर चिंता करने की या इनसिक्योर होने की या डरने की कोई भी बात नहीं है. तो आपके मन में जो भी घबराहट है, डाउट्स है इस इंसान के प्रति या इस रिश्ते को लेकर, वो क्लियर हो जाएंगे एंड आपको एक अश्योरेंस मिलेगा कि नहीं, जो डर आपको दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई आपका प्यार है और आप एक दूसरे का साथ है. और आपको वो अश्योरेंस मिलेगा जिससे आपको पूरी शांति मिलेगी और आप अपने दिमाग से वो घबराहट, वो इनसिक्योरिटीज़ को हटा पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए. ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं. वी हैव फोर ऑफ स्वर्ड्स. यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ इमोशंस ऐसी हैं जो आपके अंदर दबी हुई है और बर्डन बनती जा रही है. ठीक है, और आपके ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में भी बैड इफेक्ट पड़ा है और आपके मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट पे भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा है. आपने कहीं ना कहीं जताना, बोलना कम कर दिया है या ऑलमोस्ट बंद कर दिया है अपने पर्सन को. तो मुझे यहाँ लग रहा है कि फाइनली नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों को ये मौका मिलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाओ, आप भी अपने दिल की बातें या इनसिक्योरिटीज़ को लेकर उनसे खुल के बात कर पाओ एंड समझ पाओ एंड वो भी कर पाएँ सेम. ठीक है, तो मुझे लग रहा है जो चीज़ दबी हुई है, जो कह नहीं पा रहे थे, वो आप कह पाओगे, एक फ्लो आएगा उसमें. ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. यस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो ब्लॉकेजेस है ना आपके दिल दिमाग में जो बन गई है, वो नेक्स्ट 72 आवर्स में कट रहा है, हट रहा है बेसिकली. एंड आप इमोशनली फील करते हुए अपने पर्सन के टूवर्ड्स एफर्ट्स डाल पाएंगे या अपने पर्सन के लिए अच्छे थॉट्स को जनरेट कर पाएंगे. ठीक है, जो कि अभी आपके लाइफ में मिसिंग है. ऑल दो यू आर वेरी लवेबल, आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन को लेकर, बट कुछ ओवर थिंकिंग एंड इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपका प्यार कहीं ना कहीं दब चुका है अभी उन सारे नेगेटिविटीज़ की वजह से. तो वो नेगेटिविटीज़ हटेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, फिर से फ्लो बढ़ेगा, फिर से वो प्यार जो दब चुका है वो बाहर निकल के आएगा एंड उसकी वजह से यू नो ऑटोमेटिकली आप ट्रीट भी अपने पर्सन को अच्छे से कर पाओगे, इन रिटर्न आपको वो प्यार भी मिल पाएगा एंड थिंग्स विल गेट बेटर बिकॉज वो हल्कापन यहाँ पर आ रहा है. ओके, आपकी जेन्युइन एनर्जी वापस आ रही है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, यहाँ पर फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी दिख रही है आपके रिश्ते में. मुझे भी यहाँ नज़र आ रहा है कि जो विलिंगनेस आपके लाइफ से हट गई थी, जो एक होप या एक कॉन्फिडेंस आपका था कि आपका ये रिश्ता जिंदगी भर का होगा या फिर ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है जो हट चुका था,
वो फिर से वापस आएगा, फिर से आपको इश्योरेंस मिलेगा, फिर से आप श्योर हो पाओगे एंड उसके चलते आप इस रिश्ते को लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत होपफुल हो जाओगे एंड आपका जो सपना जो हो सकता है टूट गया था या बिखर गया था वो फिर से जुड़ जाएगा। ओके, तो आपकी फीलिंग्स अलग सी हैं लेकिन बहुत अच्छी है एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स तो मुझे बहुत ही अमेजिंग दिख रही है क्योंकि इनके मन में चाहत है, तड़प है, सब कुछ है और आपके मन में प्यार की यू नो रीजनरेशन मुझे दिख रही है जो कि मिसिंग हो रही थी धीरे धीरे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी डाउट्स ओवर थिंकिंग के वजह से, हो सकता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर में रहते हो, तो डरिए मत। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।